एनिमल फनी मूवमेंट सीरीज का एक और पार्ट। तो चलिए फिर देर ना करते हुए जल्दी से शुरू करते हैं, जिनमें जानवर आपको अतरंगी और फनी कारनामे करते हुए दिखाई पड़ेंगे। और दोस्तों हम आपको बता दें, इस वीडियो को देखकर आपको काफी ज्यादा मजा आने वाला है, इसीलिए इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखते रहना। दोस्तों ये बात तो आप सभी भी अच्छे से जानते हो कि बंदर बहुत ही बड़े नकलची होते हैं, लेकिन कभी कभार दूसरे जानवर भी काफी अच्छी खासी नकल कर जाते हैं। अब जैसा कि आप इस वीडियो के अंदर ही देख लीजिए, जहाँ पर इस शख्स को पैर के अंदर चोट लगी है और इसी वजह से ये एक पैर की मदद से चल रहा है। और इस शख्स को देखकर इस मुर्गे को भी पता नहीं क्या सूझ जाता है और ये भी इसी की तरह चलने लगता है और इसकी नकल निकालने लगता है, जिसकी वजह से इस शख्स को गुस्सा भी आ जाता है और ये इस मुर्गे के ऊपर हमला भी करता है, लेकिन मुर्गा इसे ठेंगा दिखाकर यहाँ से भाग जाता है। अगले वीडियो के अंदर यहाँ पर सड़क बनी रही होती है, तभी सड़क के ऊपर ये बिल्ली छलांग लगा देती है और आगे बढ़ने की कोशिश करती है, लेकिन बेचारी वही की वही पर फंस कर रह जाती है और आगे बढ़ने में कतई सक्षम नहीं होती है, जिसके चलते इसको भी समझ में आ जाती है कि आगे बढ़ना नामुमकिन है और इसी वजह से यह भी चुपचाप पीछे आ जाती है। अब भाई इसे कहते हैं आबेल मुझे मार, जिसमें एक कुत्ता एक डोंकी को परेशान करता हुआ दिखाई दे रहा है और इसी वजह से ये डोंकी भी काफी ज्यादा गुस्से में आ जाता है और इस कुत्ते के ऊपर हमला करने लगता है और एक लात इसे जोरदार मार भी देता है और लात भी ऐसी मारता है कि बेचारा कुत्ता उल्टा पुल्टा होकर गिर जाता है और तुरंत यहाँ से कल्टी मार लेता है, जिसे देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि आगे से ये किसी डोंकी को परेशान करना तो दूर बल्कि उसके पास तक नहीं जाएगा। दोस्तों जब भी जंगल के अंदर जाए तो जंगली जानवरों से बचकर ही रहना चाहिए, उनको परेशान करने की तो कतई नहीं सोचना चाहिए, लेकिन शायद ये दोनों शख्स इस बात को भूल गए हैं और इसी वजह से ये इस बकरे के पास में चले जाते हैं, जिसकी वजह से बकरा आग बबूला हो जाता है और इनके पीछे दौड़ लगा देता है। और जो ये बकरा इन दोनों के पीछे दौड़ लगाता है तो दोनों की पेंट गीली हो जाती है और दोनों तुरंत यहाँ से भाग निकलते हैं। दोस्तों पहले भी हम आपको बता चुके हैं कि आबेल मुझे मार वाली कहावत को सच नहीं करना चाहिए, लेकिन इसके बावजूद भी ये मुर्गा नहीं मानता है और इस बिल्ली को परेशान करता है और बार बार इस बिल्ली के सर के अंदर चोंच मारे जाता है, जिसकी वजह से बिल्ली गुस्से में आ जाती है और दूसरी तरफ पलटी मारकर इस मुर्गे को कुछ इस तरह पकड़ती है, जिसकी वजह से मुर्गा हिल भी नहीं पाता है और बेचारे को अच्छा खासा सबक सिखा देती है। पर जो भी हो, अब आगे से ये ऐसी गलती कभी नहीं करेगा और किसी बिल्ली को परेशान करना तो दूर बल्कि उसके पास तक भी नहीं जाएगा। यहाँ पर ये दो डॉग मिलकर इस छोटे डॉग को परेशान कर रहे होते हैं और इसके ऊपर हमला करने की भी कोशिश कर रहे हैं और इसी दौरान मौके का फायदा उठाकर यहाँ पर एक डोबरमैन डॉग भी आ जाता है, लेकिन बेचारे को आते के साथ ही सजा मिल जाती है और वो छोटा डॉग दौड़कर इसके ऊपर हमला कर देता है और इसको बुरी तरह काटने लगता है और इस छोटे डॉग का हमला इतना खतरनाक होता है कि डोबरमैन बुरी तरह डर जाता है और तुरंत ही यहाँ से भाग निकलता है। भाई जरा इस चीते की चालाकी भी देख लीजिए, जो कि शेर को बुरी तरह चकमा देकर यहाँ से भाग निकलता है। दरअसल यहाँ पर बड़ी मुश्किल से शेर ने इस चीता को पकड़ा है और इसका शिकार करने वाला है, लेकिन ये चीता भी चालाक निकला और इसे तुरंत ही चकमा देकर यहाँ से भाग गया। दोस्तों आज तक आपने कई तरह के महानुभाव देखे होंगे, लेकिन शायद इससे पहले आपने ऐसा महानुभाव नहीं देखा होगा जो कि आपको वीडियो के अंदर दिखाई दे रहा है। मतलब देख सकते हो ये लड़का निहत्ता होकर भी एक नहीं बल्कि सात सात डॉग का सामना कर रहा है और उन्हें दूर भी भगा रहा है, हालांकि डॉग भी नहीं मान रहे हैं और लगातार इसके ऊपर हमला करते जा रहे हैं, लेकिन ये लड़का भी इनसे कई गुना आगे हैं और ये भी इनके ऊपर भारी पड़ता ही जा रहा है। भाई जरा इन जनाब को भी देख लीजिए, जो कि इन कुत्तों के साथ मस्ती कर रहे होते हैं,
लेकिन यहाँ पर ये कुत्ते इस पानी की वजह से फिसल रहे थे। पर इसके बावजूद भी जनाब को कोई भी फर्क नहीं पड़ता है और ये लगातार अपना काम करते रहते हैं, जिसके चलते ये भी बुरी तरह फिसल जाते हैं और फिसल कर पानी के अंदर जाने लगते हैं। बेचारा वीडियो बना रहा था, वो भी सही से नहीं बन पाया और फोन को भी वापस फेंकना पड़ा। अब भाई जरा इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर ये बिल्ली काफी देर से शिकार की तलाश में खड़ी है और ये सामने मछलियों के ऊपर हमला करना चाहती है और धीरे धीरे आगे बढ़ती भी है, लेकिन इसके हौसले तब फस्त हो जाते हैं जब एक साथ कई सारी मछलियाँ इकट्ठा हो जाती है, जिन्हें देख कर ये डर जाती है और तुरंत ही अपने कदम पीछे हटा लेती है। दोस्तों, वाइल्ड बफेलो कितने ज्यादा खतरनाक और अग्रेसिव होते हैं वो तो आप इस वीडियो के अंदर देख कर अंदाजा लगा ही सकते हैं। जहाँ पर काफी समय से कीचड़ में फंसे इन वाइल्ड बफेलो को एक रेस्क्यू टीम की मदद से बाहर निकाला जाता है, लेकिन जब ये रेस्क्यू टीम एक एक करके इनको बाहर निकालती है तो ये रेस्क्यू टीम पर ही हमला करने लगते हैं और लगातार इनकी जीप के ऊपर हमला करते रहते हैं और एक एक करके जीप के ऊपर हमला करके निकल जाते हैं। हो सकता है इन वाइल्ड बफेलो का ये थैंक यू बोलने का तरीका हो, लेकिन जो भी हो वाकई में काफी ज्यादा खतरनाक लग रहे हैं। इस वीडियो के अंदर एक बबून और लेपर्ड के बीच झड़प होती हुई दिखाई दे रही है और इस दौरान ये दोनों पेड़ की डाली पर ही होते हैं, पर आखिर में पलड़ा यहाँ पर इस बबून का भारी हो जाता है और ये इस तेंदुए के ऊपर हावी हो जाता है और इस तेंदुए को पेड़ से नीचे लटका देता है और फिर लगातार इसके ऊपर हमला करते रहता है, जिसके चलते ये पेड़ से धड़ाम से नीचे आकर गिर जाता है और डर कर यहाँ से भाग जाता है। दोस्तों, जंगली जानवर मौका पड़ने पर कितने ज्यादा खतरनाक साबित हो सकते हैं वो तो हम आपको बताते ही रहते हैं, अब जरा आप इस वीडियो के अंदर ही देख लीजिए। देखिए कैसे यहाँ पर इस गुस्साए बाइसन ने इस ऑटो रिक्शा के ऊपर बुरी तरह हमला कर दिया और इसको उठाकर पटक दिया। पर यहाँ पर गनीमत की बात यह रहती है कि किसी को चोट ना आई, वरना हादसा बड़ा भी हो सकता था। दोस्तों, अब जाते जाते सबसे आखिर में इस वीडियो को भी देख लीजिए, जहाँ पर आपको एक कौवा चोरी करता हुआ दिखाई दे रहा है, जो कि सीधा एक दुकान के अंदर जा घुसता है और वहाँ से एक अंडा लेता है और उस अंडे को उठाकर यहाँ से भाग निकलता है, जिसको देखकर एक बात तो साफ हो जाती है कि वाकई में कौवे काफी ज्यादा समझदार होते हैं। तो दोस्तों, आशा करते हैं आपको आज की वीडियो जरूर पसंद आई होगी। अगर हाँ तो वीडियो को लाइक जरूर करना और इसका नेक्स्ट पार्ट देखने के लिए कमेंट बॉक्स में नेक्स्ट पार्ट भी कमेंट कर देना, हम जल्द इसका नेक्स्ट पार्ट लेकर हाजिर होंगे। तो चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय।